नमस्कार, सुपर फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आज सुपर फास्ट में बात होगी जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस के बड़े एक्शन की। बात करेंगे सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि की, साथ ही जानेंगे नागौर में सीएम गहलोत ने गिनाई स्कीमों की, अखिलेश यादव ने सपा अध्यक्ष की गजब ली चुटकी की। बात करेंगे नए संसद भवन को लेकर बोले मल्लिका अर्जुन खड़गे की। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की आज बैठक की, साथ ही जानेंगे उद्घाटन के बाद लाइट एंड लेजर शो ने बढ़ाई नई संसद की खूबसूरती की। कश्मीरी पंडितों के साथ खीर भवानी मेला पहुंची महबूबा मुफ्ती की। बात करेंगे नई संसद भवन को लेकर मायावती ने पीएम मोदी का किए समर्थन की। और आखिर में बात करेंगे मणिपुर हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के मोदी सरकार पर हमले की। इसके साथ ही और भी तमाम कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का धरना खत्म कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार 28 मई को कहा कि पहलवानों को अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। कल प्रदर्शनकारियों ने उनसे किए गए सभी अनुरोधों के बावजूद कानून का उल्लंघन किया, इसलिए धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। पहलवान किसी अन्य जगह पर प्रदर्शन के लिए मांगते हैं तो दी जाएगी। वहीं हम आपको बता दें 28 मई को पहलवानों पर की गई कार्यवाही को सही बताते हुए दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने कहा कि पुलिस ने सभी को शांतिपूर्वक तरीके से हिरासत में लिया गया था। पीआरओ ने कहा कि पहलवान हमसे जो मांगते थे हम उन्हें देते थे। 48 दिन से पहलवान धरने पर बैठे थे, हम खिलाड़ियों के साथ शुरू से कॉर्पोरेट कर रहे थे। पहले भी इंडिया गेट जैसी सेंसिटिव जगह पर कैंडल मार्च की इजाजत दी गई थी। ये जो हमारे रसलर्स हैं, ये जंतर मंतर पर पिछले 38 दिन से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, वहां बैठे हैं, जो नॉर्मली हम प्रोटेस्टर्स को नहीं देते हैं। इनके वहाँ जेनसेट्स हैं, टेंटेज था, पानी की सुविधा थी और ये रसलर्स लगातार वहाँ बैठे भी नहीं हुए थे। ये लोग आते थे, जाते थे और इनके कुछ शुभचिंतक कह लो या एसोसिएट्स कह लो, वो बैठे होते थे। तो ये सब चल रहा था, हम भी इनको फैसिलिटेट्स जो भी ये कह रहे थे वो फैसिलिटीज़ दे रहे थे। लेकिन 23 मई को जब इन्होंने कैंडल मार्च का आह्वान किया तब भी हमने इनके साथ काफ़ी बातचीत की और इनको कहा कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी या कोई भी एजेंसी सिक्योरिटी को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इन रूट्स के ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद भी ये अडिग रहे। फिर इनके साथ काफ़ी बातचीत करने के बाद हमने वह भी करवाया, इनके साथ वह भी संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लेकिन कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। वहाँ पर हमारा कल के दिन जो टाइम और दिन था, टाइम भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। उसी दिन हमारी संसद का इनॉग्रेशन था, नई संसद का। तो किसी भी सिक्योरिटी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी एजेंसी इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। इनके साथ बातचीत हुई लेकिन इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको डिटेन करना पड़ा। डिटेन करने के लिए भी इन्होंने बहुत रिजिस्ट किया, जिसके लिए हमारी महिला पुलिस फोर्स है, उन्होंने ही इनको डिटेन किया बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि ये एथलीट्स हैं और ये खुद नहीं डिटेन होना चाह रहे थे। वहाँ बिल्कुल इन्होंने वहाँ लेट केयर और काफ़ी तमाशे किए हैं। तो उसके बावजूद हमारी वुमेन फोर्स है, उन्होंने इनको डिटेन किया और शाम तक इनको रिलीज भी कर दिया गया। सोशल मीडिया पे और बाकी जगह भी एक ऐसी बात, देश के जो खिलाड़ी थे उनको बहुत सख्ती बरती गई है। इसमें सख्ती कोई नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 38 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और डिस्पाइट दैट हम उनको सब फैसिलिटीज दे रहे हैं। लेकिन जब कल का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था, हमारी नई पार्लियामेंट थी, हमारे टाइमिंग और दिन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट थे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो उस समय ये करना बहुत ही गलत था। और हमने काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से इनको डिटेन किया है, वुमेन पुलिस ने किया है, वुमेन रेसलर्स को, और सूर्यास्त से पहले इनको रिलीज भी किया है। मैम, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? कोई एफआईआर, एक एफआईआर के बाद सामने आई इनके खिलाफ कोई? वह हमारी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वह इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होनी होगी वो लेंगे। सर, मैम एक ये भी बात, बहुत टाइम लगा देते इसमें, इतनी तेजी दिखाई पुलिस ने,
ऐसा कुछ नहीं है, जब मामला सबजुडिस था उसको देखते हुए, पूरे कानून का वो देखते हुए ही एक्शन लिया गया है, और इसमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है वह इस पर एक्शन ले रहे हैं, तो जो भी एक्शन बनेगा वह किया जाएगा। आपने सवाल कि अगर अभी बार बार पहलवान कह रहे हैं कि दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे, अगर ऐसा कुछ स्थिति बनती है तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की? उन्होंने हमारी जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के होने के नाते सिक्योरिटी और चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी उन्होंने हमारी शर्तें थी उनके ऊपर बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया है, माने नहीं हैं। तो इसलिए अगर वो मानते कहते हैं कहीं और प्रोटेस्ट करने के लिए तो उनको परमिशन दी जा सकती है किसी और जगह के लिए, लेकिन जंतर मंतर पर उनको बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। लखनऊ में 29 मई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 36वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गांव किसानों, शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए उन्होंने जो मार्ग दिखाए वे सभी के लिए अनुकरणीय हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। मित्रों, महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन और प्रदेशवासियों की ओर से महान किसान नेता चौधरी साहब को स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का पूरा जीवन भारत के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के साथ ही जमीनी धरातल से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। चौधरी साहब का यह स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव की पगडंडी से होकर के जाता है, और गांव का विकास और गांव की समृद्धि का आधार कोई है तो हमारा अन्नदाता किसान है। अन्नदाता किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का सर्वाधिक लाभ देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। फसल ऋण माफी का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर रहा हो या प्रदेश के अंदर MSP का लाभ अन्नदाता किसानों को देने का कार्य, गन्ना किसानों के हितों के लिए किया गया कार्य हो, यानी अब तक 2,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों का हो चुका है। चौधरी साहब की कर्म भूमि छपरौली की चीनी मिल का नवीनीकरण और पुनरोद्धार का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने ही किया। चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर, उनकी पावन तिथि पुण्यतिथि के अवसर पर, मैं उन्हें किसानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्यों के प्रति स्मरण करते हुए
उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। रविवार 28 मई को वे नागौर जिले के दौरे पर रहे। नागौर के मौलासर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के लिए बाद वे किसान महासम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत कैंप में जिन 10 योजनाओं के गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं, ये योजनाएं कोई मतलब चुनाव के हिसाब से नहीं है बल्कि परमानेंट है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे पीआरसीसी के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, पूर्व डिप्टी सीएम पंजाब, हमारे अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष भाई रामेंद्र डूडी जी, आपके प्रभारी मंत्री गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, आपके लोकप्रिय विधायक चेतन डूडी जी, हमारे उप सचेतक भाई महेंद्र चौधरी जी, विधायक राजा खेड़ा रोहित बोरा जी, जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब, एनएचसी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, नंदकिशोर जी, पेमाराम जी सिमार, हिदायत खान साहब ब्लॉक अध्यक्ष हेमाराम जी ढाका, ब्लॉक अध्यक्ष खाटू खुर्द, बाबू खान जी, ओम प्रकाश जी बेंदा, मंजू देवी जी प्रधान साहिबा मोरा सर, चमालीस मंच उपस्थित मेरे बहनों और बेटियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज मौलासर में बहुत ही शानदार डीडवाना कुचामन जिला एनाउंस होने के बाद में ये मीटिंग हो रही है। मैं समझ सकता हूँ नया जिला बनने का पूरे नागौर की जनता को कितनी खुशी हो रही होगी, कितना सुकून मिल रहा होगा, कोई सोच नहीं सकता। नागौर मुख्यालय एक तरफ था, नागौर मुख्यालय एक तरफ था और पूरा जिला एक तरफ था, तो सार परमेश्वर मकराना कुचामन डीडवाना लाडनू जायल सबको वहां डेगाना सबको एक तरफ उन सब जाना पड़ता था। सोच समझ के फैसला किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार 19 जिले बनाए गए हैं उससे जो सपना हमने देखा है 2030 तक राजस्थान देश का नंबर वन राज्य बने। ये जिले क्यों बनाए गए हैं? जिले बनाने का मतलब है और कई तहसीलें बनना, नगर पालिका बनना, उप तहसील बनना, ग्राम पंचायत बनना, ईडीएम लगने, एसडीओ लगने, एसपी डीवाईएसपी, एक प्रकार से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करना जिससे कि कलेक्टर एसपी भी शानदार तरीके से मैनेजमेंट कर सके। बहुत बड़े जिले बन जाते हैं तो मैनेजमेंट में तकलीफ आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब 50 जिले बन गए राजस्थान में, करीब करीब बन जाएंगे, उसके बाद में आप देखेंगे राजस्थान का विकास जो सपना आपने हमने देखा है। राजस्थान सदियों से अकाल से सूखे से पीड़ित रहा है, आप सब जानते हैं, हम सब का अनुभव भी है किस प्रकार अकाल सूखे पड़ते ही पीने का पानी का संकट, चारे का संकट, पशुओं के लिए रोजगार के संकट होते थे। तो भलाओ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का 4 कानून बना दिए,
शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार के साथ में मां नरेगा 100 दिन का रोजगार, अभी मैंने 25 दिन और जोड़ दिए, राजस्थान सरकार खर्च करेगी पैसा एक्स्ट्रा, पर 125 दिन रोजगार देंगे हम। और चौथा खाद्य सामग्री का अधिकार, पार्लियामेंट कानून बना के हुए हैं, सब 2 रुपये किलो गेहूँ पूरे देश भर में और 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे, ये कोई कम फैसले नहीं हुए हैं। 2 रुपये किलो गेहूँ मार्केट में क्या मिलता क्या मिलता आपको मालूम है, करीब 70-72% लोगों को मिल रहा है गेहूँ। इस प्रकार से बड़े बड़े फैसले किए हैं यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, उसका एहसास हम सबको होना चाहिए। और हमने भी जो है अभी स्वास्थ्य का अधिकार दिया आप लोगों को, ये मामूली कानून नहीं है, 25 लाख का बीमा तो ही है वो, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, पर साथ में जो ये स्वास्थ्य का अधिकार कानून, ये 25 लाख का बीमा है उस पर कानून की मोहर लगाता है, इसको समझने की आवश्यकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हरेक व्यक्ति का स्वास्थ्य का ध्यान रखे, चाहे ऑपरेशन हो, दवाइयां हो, आईपीडी ओपीडी हो, सब खर्च सरकार देगी हमेशा के लिए। मुख्य बात यह है, ये कोई कानून चुनाव के साथ नहीं, मैंने भी चुनाव कराया हमने इसको निपटा दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर गजब की चुटकी ली है। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां सरकार वहां ओम प्रकाश राजभर होते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी राम जतन राजभर को हराने के लिए बीजेपी के साथ हैं। आज सुना है डिप्टी सीएम के साथ बैठकर आए हैं। चलिए एक दिन एसी की हवा उन्होंने बीजेपी वालों के साथ बैठकर खा ली, देखिए ये रिपोर्ट। सर मुख्यमंत्री आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 11 बजे, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं उसके ऊपर पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभी लोग। अब तो सरकार के 10 साल हो गए, 10 नंबरी हो गई सरकार, 9 साल पूरे हो गए तो इसका मतलब 10 नंबरी हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की? एम्स के लिए आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कितने एम्स आएंगे, आपका घोषणा पत्र पलट कर देखिए। स्मार्ट सिटी आपने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए पूरे देश में, मैंने सदन में भी कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, एनएचआई से बन रहे हैं, आखिरकार उत्तर प्रदेश को वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जिस समय बनारस को 24 घंटे बिजली दी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि कोटा बिजली का बढ़ाया जाएगा, ये सरकार कोटा नहीं बढ़ा पाई 9 साल वाली सरकार से। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं बढ़ा, इसका जवाब क्या है? जो घोषणा पत्र में लिखा था कि एम्स कितने बजाए जाएंगे उसका जवाब क्या है इनके पास? सड़कों के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए और प्रदेशों को पैसा मिल रहा है दिल्ली से, यूपी की सरकार को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? बड़ा बड़ा आयोजन किया गया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर पहुँचा है, कितना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला है? स्मार्ट सिटी के नाम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या काम किया है? नदियां आपकी मर रही हैं। नमामि गंगे का नाम पे आपने पैसा लिया लेकिन वो पैसा कहाँ बहा दिया आपने? क्या जवाब है आपके पास? अगर बिजली सस्ती मिल जाए दिल्ली से तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। बीजेपी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करा रही है, उसी के आधार पर टिकट दे सर्वे करने जा रही है। अब सर्वे तो करना ही पड़ेगा और रिपोर्ट कार्ड भी बनाना पड़ेगा क्योंकि जनता तो फेस नहीं कर सकते ना। आखिरकार ये रिपोर्ट कार्ड क्यों बना रहे हैं? इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। आप सर्वे क्यों करा रहे हो? क्योंकि आपको अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सर्वे करा रहे हो आप। सर एक सवाल और है, कल दिल्ली से वीडियो सामने आई है किस तरह से जो दिल्ली पुलिस ने वहाँ के जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा पीटा, उसके बाद उनको वहाँ से सीट हटाया गया। देखिए ये भाजपा का नारा एक्सपोज हुआ ना इस बात पे, जो बेटियों का साथ देने की बात करते थे, बेटियों के सम्मान की बात करते थे, आपने देख लिया क्या सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने? ये केवल दिखावटी नारे थे भारतीय जनता पार्टी के, और दिखावटी नारे इसलिए थे कि उन्हें वोट चाहिए था, वोट मिल गया उसके बाद अपमानित करेंगे आप।
सर अभी जो जिस तरह से डिप्टी सीएम वोट डालने आए थे, ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ दिखे और डिप्टी सीएम का कहना उन्हीं की गाड़ी में बैठ के आए और उसी में गए, उनका कहना यह कि भारतीय जनता पार्टी की मित्र मंडली बहुत लंबी है और हमें इस बार सबसे ज्यादा वोट मिले। कम से कम समाजवादी पार्टी के एक फैसले से जो अपमानित होते फिर रहे थे उन्हें थोड़ा बहुत सम्मान मिला। हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछड़े और दलितों की बात कर रही है तो उनका हक और सम्मान दे दे। केवल गाड़ी में बैठने से सम्मान क्या मिलेगा? क्या नौकरी मिल जाएगी पिछड़ों को? क्या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाएगा? क्या आउटसोर्स खत्म हो जाएगा गाड़ी में कोई नेता बैठ जाए? क्या आप एक पिछड़े को गाड़ी में बैठा करके ले जा रहे हो, क्या उससे लेटरेंटी खत्म हो जाएगी? ये सोचने की बात है। समाजवादी पार्टी नैमी सारण में दो दिन की मल्लिका अर्जुन खड़गे बोले, राष्ट्रपति को जो गौरव मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये दुख की बात है। जो उन्हें यानी कि भाजपा को करना था वो उन्होंने किया है। वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति संसद भवन का उद्घाटन करे, एक अध्यक्ष के नाते उन्हें जो गौरव मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, ये दुख की बात है। जानते हैं आगे क्या बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे। मैंने उसको क्या कर सकते, जो उनको इनॉग्रेट करना था उन्होंने किया है, लेकिन देश के संविधान के अनुसार सबसे पार्लियामेंट के जो पूरा जिसकी जिनके पास अथॉरिटी रहती है उनके हाथ से ये कराना था, ये हमारी इच्छा थी और हमने ये कहा भी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन रखा जाए ना उसका इनॉग्रेशन कराया जाए, ताकि एक अध्यक्ष के नाते उनको जो गौरव मिलना था या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था वो नहीं मिला, ये दुख की बात है। और ऐसा एक बर्ताव अध्यक्ष के ओर से करना और इस ढंग से फंक्शन करना ठीक नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता है कि किसी को भी गौरव करना, लेकिन ये गौरव देने की बात थी, उन्होंने नहीं किया, ये ठीक नहीं है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चले आ रहे लंबे विवाद के निपटारे की घड़ी आ गई है। सत्ता संघर्ष और सियासी वर्चस्व की लड़ाई को थामने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सुलह के लिए गहलोत और पायलट और राजस्थान के टॉप कांग्रेस लीडर्स को बुलाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को सुबह 10 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए स्पेशल प्लेन से रवाना होंगे, सुबह 11 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं हम आपको बता दें टॉप लीडर्स की बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को नया संसद भवन सौंप दिया है। अब इसी संसद भवन से नए भारत का नया पथ प्रशस्त होगा। हालांकि पूरी दुनिया और मोदी विरोधियों को इस उद्घाटन समारोह से सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत का परिचय मिल गया। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और साथ ही संविधान के स्वर भी हैं। उद्घाटन के बाद लाइट एंड लेजर शो ने नई संसद की खूबसूरती और बढ़ा दी है। देखें ये तस्वीरें। कश्मीरी पंडितों के साथ खीर भवानी मेला पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में गंदेरबल जिले के प्रसिद्ध रागन्या देवी मंदिर में सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने रविवार को मत्था टेका और वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन किया। मध्य कश्मीर जिले में चिनार के विशाल पेड़ों की छाया में स्थित इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जिनमें से अधिकांश कश्मीरी पंडित थे जो देश के कई हिस्सों से यहाँ आए थे। देखें ये रिपोर्ट। पीसफुल जगह है, बहुत बहुत मज़ा आता है इधर आने के बाद, पीस मिलती है और बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आए यहाँ पे, बाहर से भी लोग आए। मैंने सुना जम्मू से तो मे बी कल से ही 60 अराउंड बसेस निकली है यहाँ पे आने के लिए और लाइक अच्छी जगह है। लाइक और कश्मीर तो
पास हिस्ट्री से भी माना जाता था, लाइक पीसफुल, सब पीसफुली रहते थे। हाँ, बहुत हम खुशी से मनाते हैं कि हम इनका स्वागत करते हैं जब ये लोग आते हैं ना जम्मू से। हमारे जो कुछ फेवरेबल कंडीशन आई ड्यूटी दैट, ये तो हमारे मजहब में या किसी भी लिखता है जब कोई आबादी ज्यादा होती तो या तो जंग होता है या तो कहत पड़ता है, मतलब हाँ। मगर ये तो अल्लाह का ही कुछ था, मगर जब इनको आना होता है उस दिन हमारी ईद रहती है। एक तो हमारी ईद हो गई, मगर हमारी सबसे अच्छी ईद यही है क्योंकि हम आपस में दिल जो मिलते हैं ना, हम मिलते हैं। मेरी फ्रेंड्स थी, हम एक साथ खेलते थे, यहाँ पढ़ते थे, मैं उनके घर से 10 बजे निकलती थी, उसकी माँ उसके लिए एक आम रखती, बड़ा वाला बोलता राजा के लिए रखना, छोटा वाला आप खाना। मैं उनके घर से शाम के 10:30 बजे, उनके पास टीवी था, हमारे पास नहीं था टीवी, और हम एक साथ पढ़ते थे, कॉलेज भी पढ़ते थे, स्कूल भी पढ़ते थे एक साथ। हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि इससे हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ता है, क्योंकि वी आर वन, हम कोई नहीं, हम नो बॉडी इज स्ट्रेंजर, हम सब एक है, वी आर वन, आवर ब्लड इज वन। सर आज जो है हमारा ज्येष्ठ की 8वीं और 9वीं, जेठ महीना जो होता है उसकी 8वीं और 9वीं को हमारा माता जहाँ खीर भवानी में जो मेला होता है, आज के दिन हमारी माता प्रकट हुई थी, और जहाँ का बहुत बड़ा मतलब है, जहाँ हमारी खीर भवानी का जो जे हमारा दूर दराज इलाकों में, जहाँ हम हिंदुस्तान से ही नहीं बाहर भी इसका बहुत बड़ा ये है कि खीर भवानी, और बाहर से विदेशों से लोग हमारे जो पंडित भाई जहाँ आए हैं, जहाँ का जो हिंदू मुसलमान सिख अताब जो हमारा है ये भाईचारा जो है ये पूरी दुनिया एक मिसाल है, जहाँ का कल्चर जो है, जहाँ की खूबसूरती कुदरती है उसको हम बनाएंगे खूबसूरती, जहाँ की कुदरत जो जहाँ का वातावरण है वो खूबसूरत है, और जहाँ हमारे जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं। जब भी हम कोई जैसे हमारा खीर भवानी है जहाँ अमरनाथ यात्रा आएगी तो हमारे लोग जो हैं खासकर मुसलमान लोग जो हमारे भाई हैं हमारे साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। बाकी दुनिया क्या बोले उसको मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार ने जो व्यवस्था की थी, डीसी साहब ने या DIG डिपकम साहब हमारे भदौरिया साहब, या सुजीत कुमार साहब हमारे DIG हैं, या हमारे IG साहब हैं विजय कुमार, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, इसे लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए केंद्र सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, नए संसद भवन के किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश व जनहित में सही व भरपूर इस्तेमाल हो, ये उचित होगा। वहीं हम आपको बता दें कि 19 विपक्षी दल ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था। हालांकि कुछ दल इस विषय पर केंद्र के समर्थन में भी थे। बसपा प्रमुख मायावती ने इस मामले पर केंद्र सरकार का समर्थन किया था। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला, मणिपुर हिंसा को लेकर ममता दीदी ने सरकार को घेरा है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी शोर तेजी से सुनाई देने लगा है। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। इन सबके बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा है। मणिपुर हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भी मणिपुर जाना चाहती हूं, लेकिन वे इजाजत नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि TMC सांसदों को असम नहीं जाने दिया। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए पश्चिम बंगाल की CM ने कहा कि मुझे डराने की कोशिश करते हैं।